Hello everyone. If you are a biology student who is preparing for NEET examination, then this video is very useful for you. Through this video, I am going to explain basic concepts of differentiation along with some solved numerical examples which will definitely help you to prepare well for upcoming NEET exams. तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। हम शुरू करेंगे इस वीडियो को डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है? तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जो रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करने में मदद करता है। मींस जैसे डेफिनेशन की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर टाइम इंटरवल थोड़ी ज्यादा वैल्यू का है ना, मींस अगर 50 मीटर फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं जो कि 10 सेकंड में हो रहा है, 10 सेकंड्स में हो रहा है, ठीक है। तो 10 सेकंड जो है अपने आप में एक सफिशिएंट टाइम इंटरवल है, एक बड़ा टाइम इंटरवल है। तो उस केस में जो है हम वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए सिंपली टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। इससे जो वेलोसिटी मिलती है हम उसे एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन समस्या तब आती है जब टाइम बहुत छोटा हो जाए। फॉर एग्जांपल टाइम की वैल्यू मान लीजिए है 0.0001 सेकंड की। मींस ये टाइम बहुत छोटा है तो हम कह सकते हैं कि ये टाइम जो ड्यूरेशन है इट टेंड्स टू जीरो। इस एरो साइन का मतलब है टेंड्स टू जीरो, मींस बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल। अगर उतने छोटे टाइम इंटरवल में अगर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम डिफरेंशिएशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। अब उसको लिखने का तरीका क्या होता है? तो चूंकि डिफरेंशिएशन हम करेंगे किसका, रेट ऑफ चेंज हमको डिफाइन करना है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में हमको रेट ऑफ चेंज डिफाइन करना है वो लिखेंगे नीचे, और जिसका रेट ऑफ चेंज होगा, जो चेंज हो रहा है वो लिखेंगे हम यहां पे। तो इसको हम पढ़ सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एस, या सिंपली हम पढ़ सकते हैं डीएस बाई डी टी, ठीक है। इसका ओवरऑल मतलब क्या होगा? इसका ओवरऑल मतलब होगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है, जो कि हमको क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो चूंकि ये टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट होता है, इसीलिए हम इस वेलोसिटी को जिसको हम डिफरेंशिएशन की मदद से डिफाइन कर रहे हैं हम उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या करता है? डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज डिफाइन करता है, ठीक है। बोर्ड पे मैंने डेफिनेशन उसका लिख दिया है, आप चाहें तो उसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है ना, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, मींस टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करते हैं तो वो हमें देता है वेलोसिटी, जिसको लिखने का तरीका है डी बाई डी टी ऑफ एस, ठीक। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम डिफाइन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये क्या देगा हमको? एक्सेलरेशन देगा, जिसको लिखने का तरीका है डीवी बाई डी टी या फिर डी बाई डी टी ऑफ वी, है ना। क्लियर है डेफिनेशन डिफरेंशिएशन का? यूज कब करेंगे? जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, है ना, उस केस में रेट ऑफ चेंज डिफाइन करने के लिए हम डिफरेंशिएशन की मदद लेते हैं। अब है कि हर प्रोसेस को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। सिमिलरली डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं। उनमें से जो बिल्कुल बेसिक और फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूलाज और रूल्स हैं वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेट ऑफ चेंज डिफाइन करें किसी कॉन्स्टेंट का,
तो चूंकि कांस्टेंट तो समय के साथ या किसी भी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो है वो चेंज होगा नहीं, तो डिफरेंशिएशन जो है कांस्टेंट चीज का हो जाता है जीरो, मींस कांस्टेंट चीज का रेट ऑफ चेंज जीरो होता है। ठीक, जैसे 5 रुपीज का नोट है तो उसका वैल्यू 5 ही है, आज से 10 साल पहले भी 5 था, आज से 10 साल बाद भी उसका 5 ही रहेगा। 100 रुपीज का नोट है तो 10 साल पहले भी उसका वैल्यू 100 ही था, आज भी 100 है, 10 साल बाद भी 100 ही होगा, है ना, तो वो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो उसका रेट ऑफ चेंज नहीं डिफाइन होगा, मीन्स वो जीरो हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली एक और फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एन एक्स एन माइनस वन, मीन्स जो भी पावर है उसको यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई में और फिर पावर में से एक घटा देंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला देख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ई टू दी पावर एक्स ही इसका आंसर हो जाता है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है एक्स टू दी पावर एन के, तो कांस्टेंट को हम चुपचाप पहले बाहर में लिख लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई में एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ठीक, तो ये तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, कुछ नीचे भी है, है ना, कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना तो कॉस एक्स, कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना तो माइनस साइन एक्स। ठीक, अब कुछ रूल्स की बात करें तो अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में भी हो सकती हैं, है ना, तो इनको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें, तो इस केस में या ऐसे केसेस में हम इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर एड कर देते हैं। अगर यहां सब्सट्रैक्शन का साइन होता तो यहां सब्सट्रैक्शन हो जाता। ठीक, अभी यहां एडिशन है तो यहां एडिशन होगा। ठीक है, मीन्स दो वेरिएबल अगर डिफ्रेंशिएशन करना है एक साथ और प्लस में दिए हुए हैं तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा और फिर वो जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो किस तरह से और डिविजन में होंगे तो किस तरह से डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये कुछ बेसिक रूल्स और बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इन फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने के तरीके पे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं भी एक्सप्लेन करूंगा जिससे स्टूडेंट को इन फॉर्मूलेस को, इन लॉज को फॉलो करने का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 6, तो 6 तो कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन कितना जीरो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 6 क्या हो जाएगा जीरो। सिमिलरली अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डी बाई डी टी ऑफ वी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी वो क्या हो जाएगा जीरो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे है कि अगर हमको डिफरेंशिएट करना है 3x टू द पावर 4 का, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे पहले, यहां पे कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर ले लेते हैं, तो यहां 3 है कांस्टेंट, बाहर ले लिया, अब अंदर में डिफरेंशिएट पहले किसको करते हैं x टू द पावर n को करते हैं, तो x टू द पावर n यहां पे क्या था x टू द पावर 4 था, है ना, अब परफॉर्म कर देंगे तो 3 तो 3 ही रहेगा, एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के बेसिस पे 4 यहां आ जाएगा, है ना, पावर जो था, और 4 में से एक घट जाएगा, तो 4 यहां लिख दिया, 4 में से एक घट गया, है ना, तो 3 और 4 तो हो गया 12 और ये टर्म हो गया एक्स टू द पावर 3। ठीक, नेक्स्ट यू प्लस वी वाले कंसेप्ट पे देखिए, तो डी बाई डी एक्स करना है टू दी टू टू एक्स टू द पावर 6 पे, फिर 4x प्लस 9, है ना, ये 3 टर्म्स हैं, तो पहले हम क्या करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होगा, है ना, मीन्स इस टर्म का अलग, इस टर्म का अलग, इस टर्म का अलग, है ना। तो यहां देखिए ये फिर ये वाली सिचुएशन है, तो पहले कांस्टेंट टर्म बाहर लेते हैं, तो 2 को बाहर ले लिया, अंदर बचा x टू द पावर 6, 4 को बाहर ले लिया, अंदर बचा x, और ये तो कांस्टेंट था तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जीरो हो जाएगा वो। अब डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर देंगे तो 2 तो 2 एज इट इज आ जाएगा, यहां पावर n जो है वो 6 था तो n आ गया n x n माइनस 1, तो 6 x 6 माइनस 1, यहां पे n क्या है कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स 1 है, तो क्या हो जाएगा 4 तो आ गया n
n माइनस वन मीन्स वन और x पे पावर वन माइनस वन, ये सिक्स और टू मिलके तो हो गया ट्वेल्व, ये हो गया सिक्स माइनस वन फाइव, फोर इंटू वन फोर, और ये वन माइनस वन क्या हो जाएगा, x टू द पावर जीरो हो जाएगा। ठीक, अब ट्वेल्व एक्स फाइव तो यहां आ गया, किसी भी चीज पे जीरो पावर वन होता है, तो x टू द पावर जीरो कन्वर्ट हो जाएगा वन में, है ना। तो ये चीज अब सिंप्लीफाई करके कैसा लिख सकते हैं, ट्वेल्व एक्स फाइव प्लस फोर, ये आंसर हो गया। ठीक, तो इन एग्जाम्पल की मदद से हमने कोशिश किया है कि इन फॉर्मूलेज को यूज करना सीख सके। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने एज अ होमवर्क यहां पे मेंशन कर दिया है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो नंबर मेंशन है वहां कॉर्नर पे आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट होप कि आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ कि कैसे इस डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को इस्तेमाल करके नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स मैं यहां डिस्कस करूंगा सॉल्व करके, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन कैसे इस्तेमाल होगा और नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस कंसेप्ट के बेसिस पे वो किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, मान लीजिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा इस इक्वेशन से एक्सप्लेन किया गया है, गिवन है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। तो डिस्टेंस दिया है, तो ये बात ध्यान रखना है कि जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो एक्सेलरेशन हो, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस दिया है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमको डिस्टेंस का इक्वेशन ये दिया है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है, तो स्वाभाविक है कि इंस्टेंटेनियस के केस में हमको क्या यूज करना था, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस यूज करना है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी तो यहां दिया नहीं है, यहां दिया हुआ है डिस्टेंस, है ना। तो पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, इस डिस्टेंस का, है ना। तो डी बाई डी टी, एक्स की वैल्यू लिख दी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा यू, ये हो गया हमारा वी, है ना। तो क्या होगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा और फिर जोड़ दिया जाएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ ए टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। तो यहां पे ए और बी जो है वो कांस्टेंट हैं, तो इसलिए ये कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगे, यहां बचेगा डी बाई डी टी ऑफ सिर्फ टी, यहां पे बी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो ए टी के ऊपर कितना पावर, कुछ नहीं दिया मतलब वन है, तो वन टी वन माइनस वन, यहां टी के ऊपर टू पावर, तो टू टी टू माइनस वन, तो a इंटू वन तो हो गया a, t के ऊपर हो गया जीरो पावर, ये b इंटू टू टू भी लिख सकते हैं, t के ऊपर पावर बचा सिर्फ वन, तो किसी भी चीज में जीरो पावर मतलब वन होता है, टू भी हो गया और t पे पावर वन है, तो वन को तो लिखते नहीं है, तो देखिए a इंटू वन क्या हो जाएगा, सिर्फ a, और ये हो गया टू बी टी। ये हमको क्या मिला, ये हमको वेलोसिटी मिला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमको एक्सेलरेशन मिल सके। तो बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी बाय डी टी ऑफ वी या फिर डी वी बाय डी टी। तो यहां पे वही चीज तोड़ के लिख दें अगर, तो पहले डिफरेंशिएशन होगा ए का, फिर डिफरेंशिएशन होगा
टू बी टी का और फिर जोड़ दिया जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, जीरो होके खत्म हो गया। यहां टू और बी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, है ना, और फिर डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ टी का, जो कि पहले भी हम कर चुके हैं। सिर्फ टी का डिफरेंशिएशन क्या मिला था, वन मिला था, है ना। तो यहां भी सिर्फ टी का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन फाइनली क्या मिलेगा, सिर्फ टू बी मिलेगा। ठीक, तो यूजिंग डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां भी मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस इक्वेशन की मदद से दिया हुआ है और हमको 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन से। तो v कितना हो जाएगा, dx/dt। तो यहां पे अलग अलग डिफरेंशिएशन होंगे, तो 18 तो बाहर आ जाएगा, अंदर होगा सिर्फ t का डिफरेंशिएशन जो कि होगा 1, फिर 5 हो जाएगा बाहर और डिफरेंशिएशन होगा टी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2t 2-1 मतलब सिर्फ 1 मतलब सिर्फ t लिख सकते हैं। तो ये हो गया 18 प्लस 5 इंटू 2 10 और इंटू टी। अब किस पे पूछा था, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा था, तो अब टी की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो हो गया ये 18 प्लस 20 38 मीटर पर सेकंड आंसर। ठीक, तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये आई थी, इसी की मदद से हम एक्सेलरेशन डिफाइन कर लेंगे dv/dt, है ना। तो 18 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 और 10 टी है, तो 10 बाहर आ जाएगा और सिर्फ टी का डिफरेंशिएशन क्या बचेगा, 1। तो क्या मिला हमको, 10 मिला। तो इसमें कुछ वेरिएबल तो है नहीं टाइम, है ना, तो यही एज इट इज आंसर हो जाएगा हमारा। अगर यहां पे टी ए में भी आता, ए के एक्सप्रेशन में भी, तो हम वहां फिर से टी इज इक्वल टू 2 पुट करते और फिर वैल्यू कैलकुलेट करते इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन का। ठीक, तो होप कि ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए हों। एक और एग्जाम्पल को हम देखते हैं। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है इस एक्सप्रेशन की मदद से गिवन है, है ना। तो हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल निकालना है कब, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। ठीक है, तो अब यहां पे समस्या है कि इक्वेशन जो दिया हुआ है वो टी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 दिया हुआ है, मतलब टाइम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। तो हमको पहले इसको एक्स का एक्सप्रेशन बनाना होगा टाइम के टर्म्स में। कैसे, तो देखिए दिया हुआ है टी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, तो अगर हम इस टी 3 को इधर ले आए तो हो जाएगा टी माइनस 3, इधर हो जाएगा रूट एक्स, है ना। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो रूट एक्स जो है वो सिर्फ एक्स लिखाएगा और ये हो जाएगा टी माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 और माइनस 2ab, है ना। तो 2 इंटू 3 हो गया 6 और b मतलब t, तो 6t हो गया, है ना। ये हमको एक्सप्रेशन पहले मिल गया, इक्वेशन मिल गया हमको किसका, डिस्प्लेसमेंट का, टाइम के टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बोला था कि वेलोसिटी 0 हो जिस इंस्टेंट पे तब हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे। कैसे, तो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt होता है, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t, है ना, क्योंकि n t n माइनस 1, तो n है 2, t और 2 माइनस 1 करना है तो 1 हो जाएगा, जो लिखते नहीं है। 9 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा, माइनस 6 और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है जो ऑलरेडी 2-3 बार अभी आ चुका है। तो ये हो गया 2t माइनस 6 मीटर पर सेकंड। ये हमको क्या मिल गया, वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। तो कंडीशन बोला था कि वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तो 0 कर दिया, तो यहां से हमको देखिए टाइम का वैल्यू मिल जाएगा, थ्री सेकेंड, मतलब 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, तो डिस्प्लेसमेंट हमको कैसे मिल जाएगा,
तो जो x की इक्वेशन आई थी उसमें t की वैल्यू 3 सेकंड पुट कर देने से, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिल जाएगा, x की इक्वेशन में t की वैल्यू 3 पुट करने से। तो x इक्वल टू कितना है, t स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t मतलब 3, तो ये हो गया 9, ये 9 है ही, ये हो गया 18, ये 9 और 9 18 मींस 0। मतलब जब वेलोसिटी 0 होगा तब उस इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी 0 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, और उसके मदद से जो कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं वो भी आपको समझ में आएगा, एंड आई होप कि ये सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।